और अब अदले से कर लेते हैं। गलवान में झड़प के 20 दिन बाद तक चीन टस से मस नहीं हुआ था, लेकिन भारत की चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार वो झड़प वाली जगह से पीछे हटने को मजबूर हो गया। सैटेलाइट से आ रही ताजा तस्वीरों में इसके सबूत साफ नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की सख्ती के बाद चीन के छूटे पसीने। गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें लद्दाख में चीनी सेना के पीछे हटने की कहानी बयां कर रही हैं। कुछ दिनों तक चीनी सेना के जमावड़े के निशान अब इन तस्वीरों से गायब हो चुके हैं। 28 जून को हासिल पहले की तस्वीर में एलएसी के दोनों ओर चीनी स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। उसी जगह से आई नई तस्वीर में इलाका पूरी तरह से साफ दिख रहा है। ये वो वाई जंक्शन है, ये वो वाई जंक्शन है जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। ये पहली तस्वीर 28 जून की तस्वीर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चाइनीज आर्मी ने अपने टारपोलिन लगा रखे हैं, टेंट्स लगा रखे हैं, इनके सड़क बनाने का साजो सामान इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ इनकी कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक सिरे से इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई हैं और ये आप देख सकते हैं कि काफी भारी तादाद में खास तौर से वाई जंक्शन के इलाके में चाइनीज आर्मी की तैनाती है 28 जून की। जब हम 6 जुलाई की तस्वीर की बात करते हैं तो 6 जुलाई को उसी इलाके की आज की स्थिति क्या है, ये है वही वाई जंक्शन जहां पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आई थी। आज की तादाद में वहां पर चीनी सेना का कोई नामो निशान नहीं है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद चीनी सैनिक 2 किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। चीन की सेना PP-14, PP-15 और PP-17A से पीछे जा चुकी है। वहीं भारतीय सेना भी कुछ कदम पीछे हटी है। गलवान नदी के किनारे से हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज भी इस बात की तस्दीक करते हैं, ये नदी एलएसी के आर पार बहती है। ये है लाल लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पर भारतीय सेना तैनात थी गलवान नदी के, यहाँ पर चीनी सेना तैनात थी। इस जगह में भारत और चीन की मुठभेड़ हुई थी जिसमें 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे और कई चाइनीज आर्मी के जवान भी मरे थे। रविवार को दोनों पक्षों के बीच बैठक के बाद बातचीत शुरू हुई थी। बैठक में बनी सहमति के तहत दोनों भारतीय और चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं और अपने बीच बफर जोन छोड़ रहे हैं। चीन के पीछे हटने के बावजूद एयरफोर्स की टीम मुस्तैदी बनाए रखेगी। आज तक कुछ सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक रात को भी गश्त की जाएगी। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की। भारत चीनी सरहद से सटे लद्दाख के इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज करने जा रहा है। सरकार इस मदद में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि चीन की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ले से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ दिल्ली से गौरव सावंत और राहुल कंवर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।